नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ रोहन सोनकर। इस वक्त की खबर गोंडा से है, जहां पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल द्वारा पुलिस अधीक्षक गोंडा का चार्जभार ग्रहण करने के उपरांत अपराध एवं अपराधियों व वाहन चोरी लूट में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक थाना अधीक्षक को दिए थे। उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा सुराग रसी पता रसी कर वाहन चोरी करने वाले गैंग के 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के नाम को शुभान अंशु उर्फ मोहम्मद जैद चांद बाबू उर्फ है। वहीं हम आपको बता दें कि गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे व निशानदेही से भिन्न भिन्न स्थानों से चोरी की गई 9 अदद चोरी की मोटरसाइकिलों को बरामद किया गया। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल का क्या कुछ कहना है, आइए जानते हैं। विगत कुछ दिनों से जनपद गोंडा में वाहन चोरी की घटनाएं घटित हो रही थी, उसी क्रम में आज थाना कोतवाली नगर गोंडा द्वारा एक अच्छा कार्य किया गया है। इन्होंने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो व्यक्ति जो अपराधी इन घटनाओं में संलिप्त थे उन्हें चिन्हित करके उनकी पहचान किया और गिरफ्तारी की। इन घटनाओं में संलिप्त 3 अपराधियों की गिरफ्तारी थाना कोतवाली नगर द्वारा की गई। इन अपराधियों से पूछताछ की गई, पूछताछ में इनके द्वारा जो मोटरसाइकिल चोरी की गई थी 9 मोटरसाइकिल बरामद कराई गई। ये 9 मोटरसाइकिल अलग अलग थानों से चुराई गई थी। इन 9 मोटरसाइकिल में से 6 मोटरसाइकिल वर्तमान में अभी तक लिंक हो चुकी हैं, जिनके संबंध में थानों पर मुकदमे पंजीकृत हैं। अन्य जो 3 मोटरसाइकिल हैं उन्हें भी लिंक करने का प्रयास किया जा रहा है। ये लोग मोटरसाइकिल में नंबर प्लेट बदलकर उन्हें कम रेट पर दूसरों को बेचने का काम करते थे, जिससे कि थोड़े पैसे ये लोग अपने सुखचैन अपने आराम के लिए कमा सके। आज इन लोगों को गिरफ्तार करके थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा जेल। गोंडा से वैभव वर्मा की रिपोर्ट।